स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम लेते हैं मैक्सिमम मान ज्ञात करने की। देखो बिल्कुल सिंपल है, वो कह रहा है एक्स वाई जेड घनत्व मानों के लिए, वो कह रहा है एक्स वाई जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 12 है। तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड का अधिकतम मान निकालना है, तो ये देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो एम एन पी की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। तो अपन मान लेते हैं कि एक्स वाई बराबर ए और वाई जेड बराबर बी और जेड एक्स बराबर सी, तो ये हमारा क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो ये आपका क्या हुआ अचर आ गया। जब ये अचर आते हैं तो इसका 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 सबका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, तो हम इसका रेशियो क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। तो ए अपॉन 1 बी अपॉन 1 सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 12। तो आप क्या देख रहे हो a बराबर b बराबर c ये सब क्या है इक्वल है। तो ये जब इक्वल है तो आप इसमें जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ab प्लस c इक्वल है, तो ये 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो xy की वैल्यू कितनी आई 4, तो ये जो xy है इसकी वैल्यू कितनी है 4। और हमें एक्स वाई जेड का अधिकतम मान निकालना है, इसलिए जो एक्स वाई ए बी सी का जो अधिकतम मान होगा ए बी सी का अधिकतम मान ए बी सी का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 ए बी सी है 64। अब ए क्या माना है एक्स वाई जेड, इसलिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का अधिकतम मान वो कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 64। हमें तो क्या चाहिए एक्स वाई जेड चाहिए, इसलिए एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 8। एक्स वाई जेड का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ ए बी सी माना है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इस प्रकार ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।